लवली कहाँ है? लवली सर हाँ उनको बुला दी चलेगा I'm looking for a business shot. पहले से बढ़ गया हो मेरे को आगे खड़े खड़े पसीने हाँ भाई मेरे पास अच्छा ही अच्छा लगा चलो मैं क्या बोलूँ इधर इंटरव्यू कौन लेगा ये बताना नहीं नहीं चलेगा एक तो शॉर्ट दे दो तो मैं बैकड्रॉप देखा था ठीक है ओह Stunning. Oh my God. Cold, huh? ऐसे महसूस तो नहीं हो रहा, स्वेट तो नहीं हो रहा, for sure, look like, नहीं, मेरे को तो महसूस हो रहा गर्मी हो रही है, नहीं हो, yes ठीक है, more angles from other, show me little more of your on your left shoulder, slightly come, yeah. बहुत अच्छी, beautiful, beautiful. 2, 4, 4, 5 shots more. ज़्यादा मूव मत करना भाई के ध्यान के लिए मेरे ध्यान पे स्पीड इज वेरी लो यस 2 more shots 1 more best of best please Thank you. That is very, very good. आपको जितना है ना वो लेना। मैं वापस शूट कर रहा Last 2 shots. Yeah. Perfect. Thank you so much. Yes. नहीं 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 बस उसके ऊपर ही नहीं चप्पल नहीं ना रोहिणी भी बहुत होने वाला है थैंक यू और क्या हमें लगता है ब्लॉग है वो तो कर रहे हैं इन द किसी इन द कैमरा ठीक है. Ready? Lovely shot decide किया. Somebody. क्या हिला रहा है मेरा शॉट। Hold, huh? Yes. ठीक है, रिवर्स रिवर्स घूमते रहो। ठीक है, पूरा फोकस ही नहीं है, अपने नजदीक आ गया आप। यस, कूल कूल, ऐसे प्ले करते हैं। Am I looking all right? I can't see. Nilofar, looking all right? Yes. Questions, bas. Okay. चलो रेडी। जी। ये फोटोशूट के बारे में बताइए। फोटोशूट हो रहा है तो आपने यही लोकेशन पे। Okay, मैंने बहुत सुना हुआ था द रिसॉर्ट और मर आइलैंड जैसी ब्यूटीफुल जगह है मुंबई में, तो उसको एक्सप्लोर भी करना था मुझे। सॉरी, ओह सॉरी, उधर ही देख के बात, उधर की उधर। ओके, दोनों जगह का ऑफ है ना, इधर है ना उधर है। ओके, अगेन फोटोशूट हो रहा है, फोटोशूट के बारे में बताइए, ये लोकेशन के बारे में बताइए। जी, मैंने मर आइलैंड के बारे में, ऑब्वियसली मुंबई का की सबसे खूबसूरत जगह है और मुझे बीचेस बहुत पसंद है, पानी बहुत पसंद है, नेचर से मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे लगा कि आई वांट अ वेरी क्वाइट प्लेस जहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ अपनी और कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाएँ हम लोग नया। सो आई वांटेड टू मिक्स लाइक कुछ फ्यूजन विच इज़ सेमी इंडियन एंड सेमी वेस्टर्न मिक्सड विद नेचर। सो इमेजिन क्या बन के आएगा। सो वो मेरा आइडिया है एंड लेट्स सी कितना सक्सीड होते हैं। वी आर ट्राइंग टू कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल but classy and natural. P.C.P.M. तक और अब ये लाल रंग. जी. ये लाल रंग के बारे में कुछ बताइए, मूवी के बारे में. जी जी, डेफिनेटली आप लोग P.C.P.M. तक में बहुत साथ दिया आप लोगों ने. मेरी पहली फिल्म थी और अब ये लाल रंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी. मेरा बहुत ही क्रूशल रोल है फिल्म में, वेरी वेरी इंटीग्रल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसकी वजह से काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं फिल्म में. और ऑफ कोर्स मैं रणदीप हुडा के साथ काम कर रही हूँ, सो आई फील रियली ब्लेस्ड दैट उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, द मूवीज़ कम आउट रियली वेल एंड सॉन्ग्स आर फैंटास्टिक और अवेटिंग फॉर द रिलीज़. So this is just the beginning. I mean, we're just gearing up for it. How was the experience working in this Yeh Laal Rang? बहुत अच्छा था. अफजाल सैयद अहमद, अफजाल जिन्होंने यंगिस्तान पहले बनाई थी, अभी ये लाल रंग उनकी भी सेकंड फिल्म है और बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं. उन्हें अपना काम बहुत बखूबी आता है. प्लस इट्स अ ग्रेट टीम. रणदीप, सैयद अहमद, Akshay Oberoi, everybody, they're very good actors and they're all the other theatre actors in the film जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया. Like literally they've put their blood together to make this film work. And आपको पता है ये लाल रंग, it's on blood mafia, so सबका खून बहा है इस फिल्म में. कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारी मेमोरीज हैं इनफैक्ट फिल्म के साथ तो, बट मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट तो बिगिनिंग, मेरा जो एक्साइटमेंट था ना, रणदीप इज़ अ वेरी गुड एक्टर. मतलब जिनको मैंने जब एक्टिंग शुरू की थी, मैं उनको तब से देख रही हूँ, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था. आई न्यू दैट इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस. प्लस यू नो, इट वॉज अ मेजर डिफरेंस ऑफ व्हाट आई हैव डन इन P.C.P.M. तक वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रोल. यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल लड़की का रोल है, शी इज़ अ डॉक्टर, सो बहुत अलग तरह का किरदार निभाने को मिला है मुझे इस फिल्म में. एंड इट्स अ ग्रेट टीम, आई मस्ट से. एंड ऑफ कोर्स रणदीप इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म एंड आई एम गेटिंग टू वर्क विद हिम. दैट वाज माय द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द फिल्म. व्हाट इज द यूएसपी ऑफ द फिल्म, लाइक व्हाई पीपल शुड वॉच दिस मूवी? यूएसपी, एवरीथिंग इज अ यूएसपी ऑफ द फिल्म. वेरी इंटरेस्टिंग फेसेस, ग्रेट स्टोरी, ग्रेट डायरेक्शन, ग्रेट म्यूजिक. एंड उसके अलावा ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड आउट है जो 2002 करनाल में, हरियाणा में हुआ था. सो ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है. वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो करोड़ों लोगों को शायद एहसास भी नहीं है उस चीज़ का, जो चीज़ हुई है, और वो उसने बहुत लोगों को हिला दिया था उस एरिया के. सो वो एक इंसिडेंट है जो आना चाहिए. वो इस एंटरटेनिंग वे में लाना वाज नॉट इजी, व्हिच ऑफ कोर्स अफजाल हैज डन इट. फ्रॉम साउथ नाउ इनटू बॉलीवुड, सो हाउ वाज द जर्नी? इट्स अ ग्रेट जर्नी. ऑफ कोर्स मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ, हिंदी इज़ माय हार्ट, बट मैंने साउथ में बहुत सीखा है, वहीं से मैंने बिगनिंग की. और ये मेरा बहुत थॉटफुल डिसीजन था. मैं चाहती थी कि मैं हिंदी करूँ पर थोड़ा सीख कर करूँ, थोड़ा मेरा कोई थिएटर बैकग्राउंड नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो मैं चाहती थी सीख कर. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला साउथ में, मैंने बहुत कुछ सीखा. आई हैव ग्रूम्ड अप इन एवरी वे, एज एन एक्टर, एज अ गर्ल. तो वो सब एक्सपोजर जो मुझे मिला है, उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर. मुझे नयापन नहीं लगता है, मुझे बहुत चीज़ें मालूम हैं, तो मैं एटलीस्ट यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं. मैंने स्पेशली जिन लोगों के साथ काम किया है, तो मुझे बहुत, I feel really comfortable. तो I think ये एक बहुत important part play किया मेरी life में South ने, मुझे train करके. फिलहाल कौन सी movie कर रही हैं? फिलहाल तो ये लाल रंग है. We are under talks with a lot of films, but वही आपको मालूम है, जब तक वो लोग नहीं announce करते मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ. I'm in talks with couple of very good films. Again, I will always try and take up very interesting roles. कुछ नया करने की कोशिश करूंगी हर फिल्म में, और मेरी वही कोशिश हमेशा साउथ में भी रही है, साउथ में करती रहूंगी. वो मेरी क्या बोलेंगे, मतलब वहाँ से मैंने बिगनिंग की है, तो मैं अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ती हूँ. तो वहाँ से मैं सीख कर आई हूँ, तो आई विल ऑलवेज कंटिन्यू वर्किंग. बट यस, मुझे हिंदी में मेरी आत्मा बसती है, तो अब टाइम आ गया है जब मैं हिंदी की ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में कर सकूँ. Holi is approaching, so message to your fans. Oh my God, Holi! I love colors and Holi मेरा बहुत favorite festival होता था, but लास्ट 2-3 साल में कभी होली में बॉम्बे में थी नहीं, बट इस साल हूँ। मैं जम के होली खेलती हूँ, खूब वो रेन डांस भी करती हूँ, कलर्स भी लगाती हूँ। यू नो, आई डू एवरीथिंग पॉसिबल। आई बिकम लाइक अ ब्रैट ऑन होली एंड आई थिंक दैट्स द वे टू एन्जॉय होली। जस्ट यू कैन बिकम लाइक अ 6-year-old ऑन दैट डे एंड सब माफ है। तो यू नो, खूब खाओ और इन्जॉय करो, मस्ती करो, डांस करो। इट्स अ डे ऑफ कलर्स एंड फन। So God bless you all. Thank you. Thanks a lot.